हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजन से बाय करते हैं तो उसे आप रिटर्न कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी प्रोडक्ट को 7 डे रिप्लेसमेंट हो या फिर 7 डे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट हो उसे आप रिटर्न कर सकते हैं। मैं आपको चैलेंज लेकर कहता हूं कि अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न हुआ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे ब्लूटूथ ईयरफोन है तो इसे मैं आपको रिटर्न करूंगा, लेकिन यहाँ पे चलिए इसका टर्म एंड कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो टर्म एंड कंडीशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपको 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसे डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं अमेजन के थ्रू, ठीक है। आपको सर्विस सेंटर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे रिटर्न करते हैं हम लोग। देखिए ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने ऑर्डर सेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में आप देखेंगे तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर्ड हुआ है 18 अक्टूबर को, ठीक है। और आज यहाँ पे देख रहे हैं 23 अक्टूबर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डेट देखेंगे रिप्लेसमेंट का, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 25 अक्टूबर तक दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो इस डेट दिया गया है उसमें आपको एक बार रिप्लेस कराना है। रिप्लेस इन सेंस कि आपको इस प्रोडक्ट को दे देना है अमेजन को, और अमेजन आपको खुद लाकर एक प्रोडक्ट देगी, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है, दोनों साथ में होता है। आप प्रोडक्ट देंगे और अमेजन जो है यहाँ से अमेजन एक न्यू प्रोडक्ट आपको ला के देगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि आपको सेम टू सेम एक प्रोडक्ट मिलेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजन लेके चले जाएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा केस जो हो सकता है वो हो सकता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट आपके पास है वो चला जाए, ठीक है, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको एक प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको इसी प्रोडक्ट के प्राइस में मिल जाएगा नया प्रोडक्ट, ठीक है। और उसमें भी आपको 60 दिन मिलता है, मतलब जैसे आपको न्यू जो प्रोडक्ट बाय किए थे ना तो यहाँ पे आपको 7 डे मिला होगा यहाँ पे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट का, तो उसमें भी आपको 7 डे रिप्लेसमेंट मिलेगा। आपको उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि अगर आपको नया प्रोडक्ट जो आता है फिर से रिप्लेस करके उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप रिटर्न कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपको 7 दिन मिलता है, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे रिप्लेस आइटम पे क्लिक करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि किन किन कंडीशन में रिप्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे जो बात बोला जा रहा है वो आपको ध्यान नहीं देना है इस पे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी कंडीशन हो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आपके पास कोई भी कंडीशन हो तो आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट उसी केस में होगा। तो यहाँ पे कुछ रीजन है जिसके थ्रू आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको डिफेक्टिव आइटम हो तब रिप्लेस हो जाएगा, फिजिकल डैमेज हो तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रॉन्ग आइटम हो गया हो, मिसिंग आइटम हो गया हो तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट आपका यहाँ से अगर रिटर्न नहीं होता है तो आप मिसिंग आइटम या फिर रॉन्ग आइटम डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफेक्टिव आइटम आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रिटर्न करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें से कुछ नहीं डालेंगे जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ रीजन डाल के आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट रिटर्न के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रिप्लेसमेंट कराना होता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑर्डर सेक्शन में आना, ऑर्डर सेक्शन में आपका ऑर्डर दिख जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट कराना है, ठीक है। तो जब एक बार आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा उसके बाद से आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट हट के यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिटर्न का यहाँ पे ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, कि सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया जा रहा है, इसी में से कुछ ऑप्शन चूज करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कोई यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग आइटम, बोथ प्रोडक्ट एंड शिफ्टिंग बॉक्सेस वो वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। इसमें आपको रीजन पूछा जा रहा है, तो रीजन आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि स्पीकर इशू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीकर इशू डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, कि आप वीडियो देखिए, ठीक है,
या फिर लेट्स गेट स्टार्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि क्या है इसमें। इसमें यही दिया गया है कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे ठीक करना है उसे, ठीक है। उसे ठीक करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ठीक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको रिटर्न करना है तो सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट कराना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों आप ये प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन मैंने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जो है रिप्लेस विथ एग्जैक्ट सेम आइटम, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिटर्न का ऑप्शन दे देता है। अगर आपको यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं है और प्रोडक्ट वहाँ पे है सेलर के पास, तो आपको यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और आई एग्री कंडीशन पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो रीजन कुछ भी डाल देंगे तो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा चार्जेस जो है वो जीरो है, यानी जो नया प्रोडक्ट आएगा और पुराना वाला मेरा लेके जाएगा तो इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ चेंज करना चाहें, ठीक है। हाउ कैन आई मेक इट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट का कुछ अगर ऑप्शन आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या है। आपको वही पिछले वाला जो सेम ऑप्शन था वही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल आ जाएगा कि पिकअप एड्रेस कहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, कंफर्म योर रिटर्न, ठीक है। तो जैसे ही आप कंफर्म योर रिटर्न यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर जो है वो आपका लग जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्डर लगा हुआ है। देखिए घबराइए मत, आपको मैं रिटर्न करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी रिप्लेसमेंट मैं करा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तभी आप रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार आपको अमेजोन वाले ऑप्शन देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट दिया जाता है तो उसमें अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो दूसरी बार आपको डायरेक्ट रिटर्न का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको कोई भी प्रोडक्ट हो, रिप्लेसमेंट रिटर्न कोई भी हो, सभी रिटर्न हो जाते हैं और आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आते हैं, जहाँ से आपके पैसा कटते हैं वहीं पे आते हैं। तो चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं और मेरा जो प्रोडक्ट डिलीवरी वाले देखते हैं कब आकर रिप्लेस कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को जैसा था वैसा आपको रख लेना है, जिस जैसे वो पैक होकर आया था वैसे आपको रख देना है, ठीक है। उसके बाद से कुरियर वाले आपसे आएंगे और मांग कर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनको रिटर्न कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर सेक्शन में लेके चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ कि कैसा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मेरा ये वाला ऑर्डर किया था मैं, ये मेरा डिलीवर हुआ था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा ऑर्डर डिलीवर हुआ है, ठीक है। उसके बाद से एक नया ऑर्डर यहाँ पे बन गया है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बन जाता है, जैसे आप रिप्लेसमेंट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक बन जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25 से 28 अक्टूबर के बीच में आपसे कोई मांगने आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। यानी मेरा यहाँ पे 23 तारीख है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 2 दिन के अंदर मेरा प्रोडक्ट कोई लेने आएगा, उसको आपको दे देना है, उसके बाद से आपको नया प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्डर टुडे हो गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अराइविंग जो है वो आपको 25 से 28 डेट दिया गया है, तो आपको यहाँ तक का वेट करना है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ तक आपको आएगा, ठीक है। यानी एक नया प्रोडक्ट आएगा और आपको जो पुराना वाला है उसे आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर आपको गलती से हो गया हो तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको सेटिस्फाई है पुराने वाले प्रोडक्ट से तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन कोई चेंज करना है कि आपका एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है तो आप यहाँ से एड्रेस वगैरह भी या फिर टाइमिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ठीक है। अगर आप दोबारा बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन यहाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे रिप्लेस होता है, रिप्लेसमेंट होने के बाद रिटर्न होता है। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फाइनली अभी जो डिलीवरी वाले भैया हैं वो आ चुके हैं और अभी मैं चलता हूँ अपने प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट कराने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो पुराना प्रोडक्ट था वो मेरे पास है, पुराना आइटम जो था वो मेरे पास है। और भैया इसको चेकिंग करेंगे, जो भी इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ मैं इधर उधर तो नहीं किया हूँ, पुराना प्रोडक्ट तो नहीं इसमें डाल दिया हूँ, ये सब कुछ चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी जो मेरा पुराना आइटम था वो मैं भैया को हैंड ओवर कर दिया हूँ, ठीक है।
और अभी आप देख सकते हैं कि ये चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं ना है, सब कुछ यहाँ पे है। कंपनी का प्रोडक्ट मेरे पास आया हुआ था, वही प्रोडक्ट मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि नहीं, वो सब वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ चेकिंग करने के बाद वो नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वो हमें देंगे, ठीक है, और ये वाला लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है, आपको भी ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न होगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि मैं हर एक स्टेप यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं दिखाएगा, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूनिक कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो डिलीवरी वाले भैया हैं वो सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस है रिटर्न करने का वो अपने सिस्टम में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने QR कोड स्कैन किया है, ठीक है, और रिप्लेसमेंट के लिए वो लगा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ वो जो फॉर्मेलिटी है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से ये प्रोडक्ट हमको हैंड ओवर कर दिए हैं, और ये मेरा दोस्त है जो कि इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए बहुत ही बेताब है। तो अभी आप देखिए कि ये अनबॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है। आप अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है सेम मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट था वो जैसा वहाँ पे था वो वही प्रोडक्ट मुझे मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा दोस्त जो है अनबॉक्सिंग कर दिया है, तो आप देख ही लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली अनबॉक्सिंग कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है पुराना वाला वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर हम लोग चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर था वो यहाँ पे डिलीवर हो गया है, आज डिलीवर हुआ है, और डिलीवर हुआ है तो मैं उसका वीडियो भी बनाया था, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे ही आपका डिलीवर होगा तो ऐसा ही सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। और अभी आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिटर्न आइटम का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रिटर्न आइटम पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेट दिया गया है उससे आप कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले ही रिटर्न कर दे, अदरवाइज आप भूल जाइएगा तो इस डेट के बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप चाहें तो तुरंत कर सकते हैं, जैसे ही आपको मिले ऑर्डर आप तुरंत रिटर्न मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो अकाउंट जहाँ से पैसा कटा है वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और आपका कैश एंड डिलीवरी से पैसा कटा हुआ है तो आपको अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, जैसे ही आप यहाँ से रिटर्न करेंगे यहाँ से तो आपको अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देना है, किसी का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के तौर पे यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरा प्रोडक्ट था वो यहाँ पे 7 डे रिप्लेसमेंट था, रिटर्न भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 डे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिटर्न करके देने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे बताने वाला हूँ कि रिटर्न कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको रिटर्न आइटम पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप रिटर्न आइटम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। इसमें से आप कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मेरा प्रोडक्ट था तो इसमें साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, चार्जिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कुछ भी दे दे, ऐसा आप प्रॉब्लम दे जैसे कि वो चेक ना कर पाए उस टाइम जब वो लेने आए, जो डिलीवरी लेने आए आपका जो प्रोडक्ट आपको लेने आए उस वक्त चेक ना कर पाए। अगर मैं इस ईयरफोन में यहाँ पे ये ऑप्शन डाल देता हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी सही नहीं है तो उस वक्त साउंड क्वालिटी बजा कर चेक नहीं करने वाला, वो लेके चला जाएगा। अगर मैं ये भी दे देता हूँ कि चार्जिंग में प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो भी लेके चला जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो आपको चार्ज में वो लगा के अपने बाइक में चार्ज में लगा के तो नहीं देखने वाला है। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे साउंड इशू डाल देता हूँ, साउंड इशू डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद से आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा और आपका ऑर्डर जो है रिटर्न के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पे मैं आपको क्लिक करने के लिए बताऊँ वहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको वॉच वीडियो, तो यानी इसमें बताया गया है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे आप वीडियो देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट में रिफंड टू योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका पैसा कब आएगा, देखिए यहाँ पे 12 से 15 दिन लग जाता है आपका पैसा आने में किसी भी कंडीशन में, अगर हॉलीडे होता है या फिर अगर आपको अमेजन में कुछ प्रॉब्लम आती है
तो यहाँ पे 15 से 20 दिन लग सकता है। यानी आपको यह मान करके चलना है कि 20 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, जैसे अमेजन पे वगैरह से हुआ है, तो बहुत जल्द ही आ जाता है। जैसे ही आपका पार्सल लेके चला जाएगा, जो भी कुरियर वाला होगा लेके जाएगा, उसके 10-15 मिनट के बाद आपको अमेजन पे में आ जाता है। लेकिन आपका बैंक अकाउंट है, कोई बैंक अकाउंट है, जैसे ICICI बैंक, ठीक है, या फिर SBI बैंक, ठीक है, तो या फिर और कोई बैंक है, ठीक है, एक्सिस, जो भी है बैंक, उसमें अगर आपका पैसा कटा हुआ है, तो आपको 15 दिन तो कम से कम लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा जिसमें कहा जा रहा है कि पिकअप कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टाइम एंड डेट है, वो शेड्यूल कर सकते हैं कि किस दिन आपसे पिकअप हो, वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कोई सा भी डेट यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप पिकअप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं चेंज करूँगा, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। और यहाँ पे आपको समरी आ जाएगा कि आपको रिफंड कितना मिलेगा, जितना आपके अकाउंट से कटा है उतना आपको रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे कन्फर्म योर रिटर्न पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो कन्फर्म होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है पॉपअप, और इसमें आपको आपका ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अब कुछ नहीं करना है, आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है और रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद से आपसे यहाँ पे देखेंगे तो मेल भी आ चुका है मेरे पास, ठीक है, रिटर्न के लिए यहाँ पे मेल भी आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आज 28 है, और यहाँ पे 29 को यहाँ पे बताया जा रहा है कि 29 को 7 से लेकर 10 बजे तक आपका ऑर्डर पिकअप होगा। आई होप कि आपको यह सारी प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है, रिटर्न स्टार्ट हो गया है जो ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा रिटर्न कब तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी डिटेल आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्यू रिटर्न एंड रिफंड स्टेटस पे क्लिक करके देख लेना है कि आपका ऑर्डर कहाँ तक है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो पिकअप हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैक पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा ऑर्डर कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप यहां से देख सकते हैं ट्रैक योर ऑर्डर में कि कहाँ आपका ऑर्डर है, पिकअप हुआ है या नहीं हुआ, बाकी सब डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से रिफंड यहाँ पे इनवाइस देखने को मिल जाएगा कि आपको रिफंड कितना किया जाएगा। यहाँ पे आपको सेपरेटली डेट भी दिया जा रहा है कि रिफंड किस डेट को होगा आपका, ठीक है। 5 नवंबर को ये ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है। उसके बाद से रिफंड आपको 11 नवंबर को किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से चेकअप वेकअप होता है, जो भी होता है तो करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि एक बार जो ऑर्डर आपका यहाँ से चला गया तो रिटर्न डेफिनेटली होगा, ठीक है। उसमें कोई चेकअप वगैरह का कोई इशू नहीं आता है कि उस वक्त जो है ऑर्डर चेकअप करने के बाद रिटर्न हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। एक बार आपके पास से चला गया, पिकअप हो गया, आपका जो भी ऑर्डर है वो वहाँ पे रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है, आपका ऑर्डर डेफिनेटली रिटर्न हो जाएगा और आपका जो रिफंड है आपके ओरिजिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।